प्रोफेसर कहता है कि एक नॉर्मल इंसान अपने ब्रेन का सिर्फ 3% ही यूज कर पाता है और ज्यादा से ज्यादा 10%। और इंसान इन्हीं 10% ब्रेन को यूज करके ही कंप्यूटर, एरोप्लेन, सैटेलाइट जैसे बड़े बड़े मशीनों का निर्माण किया है। यहाँ तक कि आज के डेट में इंसान चांद और मार्स पर भी पहुँच गया है। और अगर इंसान अपने ब्रेन का 20% यूज करने लग गया तो वो अपने पूरे शरीर को कंट्रोल कर पाएगा। और इसका अगला स्टेज मतलब कि इंसान अगर अपने ब्रेन का 40% यूज करने लग गया तो वो अपने साथ साथ दूसरों के बॉडी को भी कंट्रोल कर पाएगा। दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा प्राणी है जो कि अपने दिमाग का 20% यूज कर पाता है और वो है डॉल्फिन। तभी एक लड़का प्रोफेसर से पूछता है कि अगर इंसान अपने दिमाग का 100% यूज करने लग गया तो फिर क्या होगा। प्रोफेसर कहता है वो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो इंसान क्या क्या कर सकता है। उसके लिए कोई भी चीज ना मुमकिन नहीं रह जाएगा।